चलो बोलो, कुछ डाउट से तो बोलो, पूरा क्लियर अभी? रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के पहले का पार्ट पूरा क्लियर अभी? तो इस पे कुछ डाउट है, कोई पार्ट रिवाइज करके चाहिए तो बोलो। ठीक है, तो कुछ नहीं चाहिए? ठीक तो इस पे न्यूमेरिकल्स लेने का, और थोड़ा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस पे, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस पे और थोड़ा न्यूमेरिकल्स लेने का क्या क्या तुम लोग कर सकते हो घर पे? तुम्हारे हिसाब से बोलो मुझे, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, इसका एक दो न्यूमेरिकल लेने का क्या ठीक है, कर सकते हो तुम लोग? चलो बोलो, तुम्हारा ओपिनियन बोलते जाओ। बोलो यहाँ पे न्यूमेरिकल लेने का क्या तुम लोग कर सकते हो, क्या करने का? एक आंसर आया, बाकी लोग बोलो क्या। ठीक है, वैसे चलता है। तो क्या करो, तुम लोग ट्राई करो न्यूमेरिकल्स, इस पे सिंपल ही है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर तुम लोगों को नहीं आता है कुछ डाउट से तो बोलो, मैं डाउट्स के भी वीडियोस बना के तुमको देता हूं। ठीक है, करो तुम लोग, कुछ डिफिकल्ट वगैरह कुछ नहीं है। चलो तो अभी जितना भी हुआ है उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो देखो, अभी अब तक करंट इलेक्ट्रिसिटी में जितना भी हुआ है, बहुत ज्यादा थ्योरी है इस पार्ट में। ये जो फर्स्ट पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, डेल्टा वी बाई एल वो सब है, जे का फॉर्मूला है, वी डी का बहुत सारा फॉर्मूला है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंस का है, कार्बन कोडिंग है, बहुत सारा है। लेकिन इस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आते हैं, इस सेक्शन पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आते हैं। इसमें भी ये जो अब तक हुआ है इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, एंड दूसरा रेजिस्टेंस का लेंथ पे एंड एरिया पे डिपेंडेंस। लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वैसा वाला वो। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस ऑन लेंथ एंड एरिया, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या क्या है होमवर्क? थोड़ा इंटरनेट का स्पीड कम हो गया, तुमको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। हाँ, नेट का स्पीड कम हो गया था अभी। अभी वो आ रहा है। तो होमवर्क क्या क्या है, होमवर्क क्या क्या है, थेरी अब तक जितना हुआ है पूरा पढ़ने का, एरर लेस या फिर डीसी पांडे, थेरी के लिए और कुछ यूज नहीं करने का, एरर लेस डीसी पांडे, एंड जितना मैंने नोटबुक में दिया है, नोटबुक में लिख के दिया है वो उतना ही, बाकी एनसीईआरटी वगैरह कुछ मत पढ़ो। ठीक है, ओके। एंड सॉल्व क्या करने का, एररलेस का जो फर्स्ट बीट है वो सॉल्व करो पूरा, हर एक न्यूमेरिकल, एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। होमवर्क मैं चेक करूंगा तुम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है क्या नहीं, वो रफ वर्क करने का। रफ वर्क का फोटो मुझे भेजो, कब? सैटरडे, मैं तुमको मैसेज करता हूँ तब मुझे भेजो। एग्जाम सैटरडे होगा, एग्जाम सैटरडे होगा, कब होगा वो कल डिसाइड करेंगे। ठीक है, एग्जाम का टाइम कल डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलो कुछ डाउट है तो बोलो। शिवश्री, पेपर इस टाइम फिजिकल नहीं देना है तो चलता है, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे मुझे भी थोड़ा काम हो सकता है और सिलेबस भी ज्यादा नहीं हुआ, तो ऑनलाइन देना है तो दे इस टाइम, थोड़ा सिलेबस होने के बाद देखेंगे। ठीक है, चलता है। ये क्या बोल रही है? ठीक है, लेक्चर खत्म, जिनको जाना है जाओ। ठीक है, उत्कर्ष ऑनलाइन तू दे, चलता है, तू ऑनलाइन दे चलता है, नो प्रॉब्लम। और वैष्णवी और गौरी, गौरी के घर पे। ठीक है, मनीषा भी ऑनलाइन देगी और ये श्वेता भी ऑनलाइन देगी। हाँ, पेपर देने का मनीषा, पेपर देने का, पेपर देने का। चलो, ये क्या टाइम का नहीं होता है वैष्णवी, टाइम का भी छोड़ना तू।
वैष्णवी मैं कमेंट्स ओपन कर रहा हूं, तेरा फोन नंबर थोड़ा टाइप करके गौरी को बोलना। वैष्णवी तेरा फोन नंबर गौरी को दे दे और गौरी का फोन नंबर तू ले ले, मतलब सैटरडे एग्जाम के लिए अरेंज करते करने के लिए आसान है। कमेंट्स मैंने ओपन किया है, तुम्हारा तुम्हारा प्राइवेट कमेंट्स भी होता है अभी। हाँ पूछा रहे शिवश्री को, पूछा है उसका टाइम, उसको होता नहीं एक्चुअली। 12 o'clock मुझे ही भी प्रॉब्लम है। 12 o'clock क्या है, ये मेरा सेटअप जो है लेक्चर का, ये बेडरूम में है और मेरा बच्चा है दो ढाई साल का, उसको ये बेडरूम में अभी 1 बजे उसका सोने का टाइम रहता है डेली। अब वो हॉल में सो रहा है, अब प्रॉब्लम वो उधर भी सो सकता है लेकिन उधर बेड नहीं है। प्रॉब्लम देखो मेरा क्या है, बेड पे जब सोता है तो 2 घंटा 2.5 घंटा सोता है वो, लेकिन हॉल में जब चटाई पे सोता है तो वो 1 ही घंटा सोता है। तो जब तक लेक्चर खत्म होता है उठता है और परेशान करता है मुझे, तो मुझे ज़्यादा परेशानी है 12 o'clock के लेक्चर की। लेकिन क्या है, टाइम एडजस्ट नहीं हो रहा ना इसलिए। मेरे को नहीं फोन नंबर मेरे पास है ना गौरी, फोन नंबर भेटला का वैष्णवीचा नंबर आहे ठेव तुझ्याकडे।